जगदीश टाइटलर पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों पर फैसला राव जब इन्हें कोर्ट सुनाएगी फैसला। आरोप तय किए जाएंगे और उस पर कोर्ट का फैसला आएगा। कोर्ट ने 19 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज 1984 के सिख दंगों में आरोपी माने जा रहे जगदीश टाइटलर पर आज आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाया जाना है। 19 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा था कि सीबीआई ने इस मामले में 2 क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। जगदीश टाइटलर के वकील मनु शर्मा ने कहा था कि 2009 में से आरोपी सुरेश कुमार पानीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इसे ट्रायल कोर्ट से बरी कर दिया गया। इसी के साथ मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022 और 23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था। इतने लंबे वक्त के बाद बनाए गए गवाहों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। इसके पहले मनु शर्मा ने जगदीश टाइटलर को इस मामले में बरी करने की मांग की थी।